नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत मनेंद्रगढ़ की खबर के साथ। दर्दनाक सड़क हादसा यहां पर देखने को मिला। कार चालक ने दो बाइक सवार को रौंद दिया है। मौके पर दोनों बाइक चालक की मौत हो गई है। दोनों बाइक में सवार महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। नशे में धुत था कार चालक और कार सवार। तीन युवक फरार हो गए हैं। कार सवार एक को गंभीर चोटें भी आई हैं। कार में शराब की बोतल दिखी है। बरबसपुर नेशनल हाईवे के नागपुर चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मनेंद्रगढ़ से यह बड़ी खबर। मौके पर दो लोगों की मौत हो गई है। हादसे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और कार ने दो बाइक सवारों को रौंद दिया है। कार सवार शराब के नशे में बताया जा रहा है। मौके पर दो लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। मनेंद्रगढ़ का मामला, दो बाइक सवारों को रौंदने का पूरा मौके पर दो लोगों की मौत हो गई है। जिसे कार ने रौंदा, दोनों की ही मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की बात सामने आ रही है, लेकिन एक को उनमें से कार सवार एक को गंभीर चोट आई है। कार में शराब की बोतल भी दिखी है। ऐसे में कई सवाल, जब ड्रिंक एंड ड्राइव पर जुर्माना है, ड्रिंक एंड ड्राइव पर पेनल्टी है, बावजूद इसके क्यों इस तरीके से मानने को तैयार नहीं है लोग। और नशे में कार चलाने की वजह से दो मौत का मामला। रौंद दिया कार सवार ने इन दोनों ही लोगों को, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई है और कार में से शराब की बोतलें मिली हैं। नशे में कार चालक धुत था, हालांकि महिलाएं भी थी। दो महिला भी गंभीर रूप से इसमें घायल हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, दो नहीं बल्कि तीन मौत के मामले सामने आए हैं मनेंद्रगढ़ में, जहां कार ने रौंद दिया, तीन लोगों की मौत हो गई है। सुजीत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, मामला क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, कहां है कार चालक? जी देखिए, बता दूं, मनेंद्रगढ़ नेशनल हाईवे का यह पूरा मामला है, जहां बरबसपुर टोल प्लाजा के ठीक पहले कार चालक जो थे, चार लोग सवार थे और चारों नशे में धुत थे, और दो बाइक सवार जो कि बैकुंठपुर तरफ से आ रहे थे, जिनको कार सवार ने रौंदा है। दोनों बाइक सवार की मौके मौत हो गई और एक दोनों महिला जो थी गंभीर रूप से घायल हुई थी, लेकिन घायल महिलाओं को आसपास के लोगों ने अस्पताल ले जाने के दौरान एक महिला की उसमें मौत हुई है। वहीं कार चालक तीन फरार हो गए हैं, एक जो गंभीर रूप से घायल थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शराब की बोतलें जो है कार में दिखी है, जो कि कई शराब की बोतल उसमें दिखी है। साथ ही पुलिस मौके पहुंची, स्थानीय की मदद से वहां पे जो घायल थे उनको तत्काल जो अस्पताल में पहुंचाया गया है और इलाज जारी है। पुलिस मौके पहुंच के जांच कर रही है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुजीत। गरियाबंद से खबर, जहां शहर में तेंदुआ घुसने से दहशत में अब लोग हैं। शहर से लगे रावण भाटा में तेंदुआ दिखा है। घर के दीवार पर बैठा नजर आया तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की चहलकदमी कैद हुई है। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया इसे लेकर। तो शहर में तेंदुआ घुसने से दहशत में लोग कि उन्हें निशाना ना बना ले तेंदुआ। और ऐसे में ये देखिए, दीवार पर तेंदुए की चहलकदमी, घर की दीवार पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ है। हालांकि वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। वन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। अभी लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है और वन विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां असामाजिक तत्वों ने कार में आग लगा दी। घर के बाहर ही कार खड़ी थी। कार मालिक ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है, शिकायत दर्ज कराई है। जामुल थाना क्षेत्र की घटना है। लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने कार में आग लगाई, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या कोई पुरानी रंजिश है जिसकी वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है? हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब खंगालने में पुलिस जुटी हुई है।
फिलहाल आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों ने कार में आग लगा दी। घर के बाहर ये कार खड़ी थी। कार मालिक ने थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है। जानने की कोशिश होगी कि आखिर किन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, आखिर क्यों कार में आग लगाई गई, किस बात को लेकर यहाँ पर आग लगाई गई कार में। वो तो गनीमत ही रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन खड़ी गाड़ी में आग लगाने के पीछे के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। जिंदगी फर्स्ट, हेलमेट मस्ट। जी हाँ, एमपी के वाहन चालकों के लिए सावधान कर देने वाली खबर है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एमपी की पुलिस सख्त हो गई है। अब वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो गया है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई भी होगी, बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। टू व्हीलर पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट उतना ही अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश पुलिस इसके लिए अभियान चलाएगी। 50 दिनों तक लगातार चेकिंग अभियान चलेगा। पुलिस मुख्यालय को हर 15 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट भी देनी होगी। इस पूरे मामले को अगर आसान भाषा में हम समझे तो लगातार, क्योंकि एक्सीडेंटल मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए ये कह दिया है कि हेलमेट मस्ट है, और अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट मस्ट है। मध्य प्रदेश ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर यातायात को लेकर बड़ा अभियान चलाने जा रही है। 50 दिन का ये पूरा अभियान रहेगा, और जो लोग बगैर हेलमेट के वाहन चलाते हैं या सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते, ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती से निपटने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस करने जा रही है। क्योंकि देखिए, अगर बात करते हैं जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश मिले, उसके बाद एक विशेष अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा कि लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत या सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लगातार मध्य प्रदेश में कई अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक भी किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अभी भी हेलमेट नहीं पहनते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब निर्देश दिए मध्य प्रदेश पुलिस को कि न केवल दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति बल्कि जो पीछे बैठेगा उसको भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही चार पहिया वाहन चलाने वालों को अब सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। ये पूरी रिपोर्ट जो है 15 दिन की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा फाइनल रिपोर्ट 15 जनवरी 2024 को जबलपुर हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश की पुलिस रखने जा रही है। अब देखना होगा 50 दिन चलने वाले इस अभियान का मध्य प्रदेश के वाहन चालकों पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन महेश सागर के साथ साइलेंस सिंह, न्यूज 18 भोपाल। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश पुलिस महकमे को दे दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी कमिश्नर और तमाम अधीक्षकों को भी अपने अपने इलाके में यातायात के नियमों का पालन करने के लिए अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। लेकिन ग्वालियर की तस्वीर ही जरा हटके है। ग्वालियर पुलिस पर शायद निर्देश और आदेशों का कोई असर नहीं पड़ा है। ग्वालियर के किसी भी चौक चौराहे पर हेलमेट सीट बेल्ट को लेकर अभियान चलाना तो दूर, चौराहों पर ट्रैफिक सिपाही तक नजर नहीं आ रहे। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि ट्रैफिक पुलिस को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सीट बेल्ट और हेलमेट सहित अन्य ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान और सख्त चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ये ग्वालियर का फूलबाग चौराहा, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बाइक सवार भी आ रहे हैं ज़्यादातर बिना हेलमेट के आ रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जो वाहन है उनमें भी सीट बेल्ट लगाते नज़र नहीं आ रहे हैं। ये वाहनों की कतार लगातार इस बात का इशारा कर रही है कि ग्वालियर में लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर कितने उदासीन है, कितने लापरवाह है। यहाँ ज़्यादातर लोग बिना हेलमेट के आ रहे हैं, बिना सीट बेल्ट के लगा के वाहन चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हाई कोर्ट ने सभी पुलिस अधीक्षकों को, कमिश्नरों को इस तरह के चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, उसके बावजूद लगता है ग्वालियर पुलिस को, ग्वालियर SP सहित ट्रैफिक पुलिस को हाई कोर्ट के आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि यहाँ ग्वालियर में किसी भी चौराहे पर सुबह 11 बजे के आसपास के वक्त तक किसी तरह की कोई चेकिंग नज़र नहीं आ रही है, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस का जवान यहाँ ग्वालियर की किसी चौराहे पर नज़र आ रहा है। इससे समझा जा सकता है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ग्वालियर की पुलिस इन अभियान और सख्त निर्देशों का पालन कराने में कितने लापरवाह बने हुए। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। मध्य प्रदेश में अब टू व्हीलर चलाने और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है।
हाई कोर्ट ने सरकार और विभाग को बिना हेलमेट पकड़े जाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 जनवरी तक जवाब मांगा है। इस आदेश के बाद उज्जैन की सड़कों पर बाइक पर क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है, उसकी जानकारी देंगे हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश में हेलमेट पहनना और कार में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है और इसको लेकर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को और प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और इसका पालन कराया जाए। अभी आप इस वक्त देख सकते हैं, मैं टावर चौक पर हूँ। यहाँ पर जो है अभी भी जो है कई लोग जो है बिना हेलमेट के ही जो है अभी यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो आदेश निकला है इसके बाद अब देखना ये होगा कि प्रशासन कितना सख्ती से ये पालन कराता है, क्योंकि पिछले महीने भी जो है उज्जैन SP सचिन शर्मा ने इसके लिए चालानी कार्रवाई की थी और जो हेलमेट नहीं पहन रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन जब चालानी कार्रवाई शुरू हुई तो एक दो दिन तक जो लोगों ने जो है हेलमेट पहनकर उसका पालन किया, इसके बाद जब चालानी कार्रवाई रुक गई तो फिर लोगों ने हेलमेट छोड़ दिए। अब देखना ये होगा कि 15 जनवरी तक जो है जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को इसका पूरा जवाब देना है कि इसका कितना सख्ती से पालन कराया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो गाड़ी चलाने वाले हैं टू व्हीलर, उनके पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जो कार जो चला रहे हैं उनको सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से जय पटवा, News 18 मध्य प्रदेश। रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप 2023 का फाइनल मैच हुआ था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6ठी बार विश्व कप अपने नाम किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मैच को देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। भारतीय टीम की हार के बाद पीएम मोदी ड्रेसिंग रूम में गए और खिलाड़ियों से मुलाकात की। हार के बाद टीम के सभी खिलाड़ी भावुक थे, जिन्हें पीएम मोदी ने ढांढस बंधाया और मोहम्मद शमी को गले भी लगाया। आपको ये दिखा रहे हैं वीडियो, काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया गया, कुछ ही घंटों में ये वीडियो YouTube पर टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया। इस वीडियो का कैप्शन, विश्व कप फाइनल के बाद पीएम ने मैन इन ब्लू से मुलाकात की और भारतीय क्रिकेट टीम को सांत्वना दी। बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ा थोड़ा तर तो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है, चलिए होता है। होता रहता है ऐसा, और साथियों भी एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री होंगे, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। सोचा मिल लू सबको। होता है। कहा राहुल कैसे हैं? जी आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू खेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ा थोड़ा तर तो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। और चलिए एक नजर खबरों के 2020 पर। विश्व कप फाइनल मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मिले थे पीएम मोदी। पीएम ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं और ढांढस बंधाया था। कुछ ही घंटों में टॉप ट्रेंडिंग में आया वीडियो। इंदौर में तेज गेंदबाज आवेश खान का T20 सीरीज में सिलेक्शन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 नवंबर से शुरू होगा T20 मुकाबला। जयपुर में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा दोनों भाई बहन झूठ की मशीन। राजस्थान में भी झूठ का पुलिंदा परोसने की कर रही कोशिश।
भारतीय नौसेना के स्वदेशी पोत को बड़ी सफलता, पहले ही वार में मिसाइल नष्ट। ग्वालियर में मंत्री सुरेश राजखेड़ा की दबंगई, दलित युवक के साथ मारपीट का आरोप। एमपी में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट मास्क, कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर भी सख्ती। मैहर में ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों को बनाया बंधक, बिजली सुधारने गए थे लाइनमैन, ट्रांसफार्मर खराब होने से आक्रोश में थे ग्रामीण। जशपुर में दो बाइक की टक्कर से तीन लोग घायल, घायलों का इलाज जारी, हादसे का सीसीटीवी आया सामने। हेलमेट पर हाईकोर्ट सख्त, पीछे बैठने वालों को लगाना होगा हेलमेट, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त कार्रवाई के आदेश, 15 जनवरी तक मांगा जवाब। जशपुर में 19 साल के युवक ने की आत्महत्या, पेड़ पर फांसी लगाकर दी जान, युवक पहले भी कर चुका है सुसाइड का प्रयास। जशपुर के 3 साल की मासूम बच्ची से रेप, पड़ोस में रहने वाले 35 साल के युवक पर आरोप। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, जवानों ने बरामद किया आईईडी। दुर्ग में असामाजिक तत्वों ने कार में लगाई आग, कार मालिक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। ट्रेन में विस्फोटक सामानों का परिवहन करते पेंट्री कार का मैनेजर गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 4 नग गैस सिलेंडर और चूल्हा सुरक्षा बल ने किया जब्त। भिलाई स्टील प्लांट की सुरक्षा में सेंस, स्टोर से 32 लाख के मैग्नेटिक क्वाइल गायब। अंबिकापुर में पोते ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया वार, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। अंबिकापुर में एनएच 130 पर बस और कार में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, 3 घायल। पेंड्रा में दल से बिछड़ा हाथी, रास्ता भटकने से फसलों को नुकसान पहुंचा रहा हाथी। पेंड्रा में वोटिंग के बाद परीक्षा का शेड्यूल जारी, डीईओ ने जारी किया कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का टाइम टेबल। रायपुर में मतगणना को लेकर पुलिस अलर्ट, स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बल तैनात, सेज बिहार से होगी 7 विधानसभा की काउंटिंग।